पैरेलल सर्किट या रिजेक्टर सर्किट। मैंने आपको एक और सर्किट करवाया था, एक्सेप्टर सर्किट। बोलो कहाँ, कब बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, कहाँ यूज करते हैं एक्सेप्टर सर्किट? जब, कौन सा टॉपिक था वो? क्या ये नाम सुना? सुने, एक्सेप्टर सर्किट LCR में, रेजोनेंस में। जब रेडियो का एग्जांपल दिया था FM का, बहुत सारे सिग्नल्स एक्सेप्ट एंटीना करता है, पर एक्सेप्ट एक ही करता है जो रेजोनेंस शो करता है, बाकी सब उड़ा देता है वो, उसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। तो LCR रेजोनेंस में फ्रिक्वेंसी में जाता है, तो इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है, करंट मैक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, राइट। अब क्या है रिजेक्टर सर्किट? रिजेक्टर सर्किट ऑलरेडी आपने किया हुआ है, आपको कि किया हुआ है, मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था NCERT में ही, पैरेलल LC सर्किट, जब LRC पैरेलल में थे, या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। हमने क्या रिजल्ट किया था एंड में? पैरेलल रेजोनेंस में ये किया था कि जब रेजोनेंस होती है और LRC पैरेलल में होते हैं, तो रेजोनेंस पे इंपीडेंस क्या हो जाती है? मैक्सिमम। और करंट क्या हो जाता है? मिनिमम, जीरो। तो सीरीज के अंदर रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम, और पैरेलल के अंदर रेजोनेंस पे करंट मिनिमम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? वही टॉपिक फिर से आ गया, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट या पैरेलल सर्किट को रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि जब इंपीडेंस, जब रेजोनेंस होती है इसमें, तो करंट यहां पर क्या हो जाता है? जीरो। तो यानी कि उस सिग्नल को जिसमें रेजोनेंस हो गई, उसका करंट जीरो हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली पास ही नहीं हो पाता सर्किट में, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? रिजेक्टर सर्किट। तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, पर जो हमने किया था प्रूफ, अगर आपको याद हो, उसमें L लगाया था और C लगाया था, उसमें R नहीं लिया था। चेक कर लो अपनी NCERT की बुकलेट, उसमें L था और C था, उसमें R नहीं था। इसमें R भी ले लिया, तो अगर R ले लिया, इसकी थ्योरी भी आपने नहीं करनी, तो बस ब्रीफ में बताऊंगा कि करंट आया, कुछ करंट ऊपर IL, कुछ करंट नीचे IC, ये रहा। और फिर इसमें IL क्या होता है? V अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस वो फेजर अलजेब्रा की फॉर्म में क्या किया था? R प्लस J टाइम्स L ओमेगा, और ऐसी V अपॉन -1/C ओमेगा, क्योंकि कैपेसिटर में पीछे होता है करंट, और ये इम्पीडेंस Z। तो यहाँ से आगे कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई किया, ये 1/Z निकाल लिया। आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है अभी मार्क करवाऊंगा। 1/Z आ गया, 1/Z को नाम देते हैं Y, Y को बोलते हैं एडमिटेंस। तो ये एडमिटेंस आ गई, एडमिटेंस। यहाँ से इसका LCM लिया, रादर ये रैशनलाइज किया जैसे हम नॉर्मल करते हैं। तो ऐसा करने पे Y को सिंप्लीफाई करके ये टर्म मैग्नीट्यूड आ गया Y का। आपने कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं, ठीक। आपने क्या करना है अभी मार्क करवाता हूँ। इसमें अगर Y एडमिटेंस, अगर मुझे क्या करनी है? मिनिमम एडमिटेंस। मिनिमम होगी तो इंपीडेंस क्या होगी? मैक्सिमम। तो इसको अगर मिनिमम करना है तो ये टर्म को क्या पुट करना पड़ेगा? जीरो। तो जब मैं इसे जीरो पुट करूंगा और ओमेगा निकालूंगा, तो ये मेरे पास ओमेगा आएगा और ये इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मार्क करो, आपने कोई थ्योरी नहीं करनी, आपने बस ये मार्क करना है कि ओमेगा या फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आप कहेंगे कि ये तो हमने कभी किया ही नहीं। हमने किया है, हमने NCERT में जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट किया था, उसमें क्या लिया था? L और C, R नहीं लिया था। अब सोचो अगर मैं यहां पर R हटा दूं, देखो आपका आंसर वही आ गया, 1/2 pi √LC रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और NCERT वाले क्या करते हैं? R नहीं लेते, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। कॉम्पिटिशन वाले R लेते हैं, कैलकुलेशन बड़ी कर देते हैं, प्रूफ करना नहीं है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी LCR में ये रहेगी, और L और C में पैरेलल में R हट जाएगा, वही पुरानी आ जाएगी। रूल वही है, एंड रिजल्ट वही है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इंपीडेंस है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि एडमिटेंस मिनिमम किया हमने, और इंपीडेंस मैक्सिमम होगी तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो करंट जीरो का मतलब कि इस फ्रीक्वेंसी पे करंट पास नहीं होगा सर्किट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिजेक्टर सर्किट। ठीक है यहां तक? बस ये पता होना चाहिए और कुछ नहीं करना इसमें। और बिना रेजिस्टेंस के ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। एक होती है इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होती है? ये जो आपने ये वाई की वैल्यू की थी ना, ये मैथ्स वाले लोग जानते हैं, मेडिकल को जरूरत नहीं है,
इसमें कुछ रियल पार्ट है, कुछ इमेजिनरी पार्ट है। तो जो इमेजिनरी पार्ट, जो रियल पार्ट है एडमिटेंस का, उसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। वैसे इसका फॉर्मूला आता नहीं है, वैसे लिख तो दिया पर यूज़ नहीं होता, तो अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? बस ये टॉपिक है जो ये बताता है कि जेड की वैल्यू जब इसमें मैक्सिमम है तो करंट इसमें जीरो है।